हेलो BGMIN PUBG लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं स्तबिंदास, फर्स्ट क्लास जगकास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज हम लोगों के पबजी मोबाइल के अंदर यहाँ पे स्पाइडर मैन वाला न्यू मोड आने वाला है और यहाँ पे ग्लोबली पूरा आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को BGMI के अंदर भी स्पाइडर मैन मोड देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे कंफर्म हो चुका है पबजी मोबाइल की तरफ से। पबजी मोबाइल के इंस्टाग्राम पे स्किन के ऊपर आप लोग देख रहे हो वो इमेज डाली गई है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पाइडर मैन का पूरा गेम प्ले बताऊंगी, जिसकी लीक्स हम लोगों को लकी मैन के थ्रू मिली है। तो उनके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उनके वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर लेना। अब चलिए हम लोग यहाँ पे स्पाइडर मैन के गेम प्ले की बात करते हैं, जो कि BGMI और पबजी दोनों के अंदर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे क्या होगा कि जब स्पाइडर मैन मोड आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पे देखो कि स्पाइडर की एंट्री आपको इस तरीके की कुछ देखने को मिलेगी, जो कि हम लोगों का प्लेन स्टार्ट होता है तो उसी के आसपास आप लोगों को यहाँ पे ये स्पाइडर मैन थोड़ी सी मतलब ऐसे करता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि खुद की स्पाइडर मैन की एबिलिटी है। और देखो ये देखने में भी कितना मस्त लग रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे सेकेंड जो फीचर आप लोगों को स्पाइडर मैन मोड के अंदर देखने को मिलेगा वो यहाँ पे गेम प्ले है, जो कि यहाँ पे मैप के अंदर आप लोग देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पर्टिकुलर कुछ कुछ लोकेशन पे येलो कलर की मार्क देखने को मिलेगी, उसी मार्क पे गाइज आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे लैंड करना है। और जैसे ही गाइज यहाँ पे आप लोग लैंड करोगे, जैसे कि देखो मेल्टा पावर का यहाँ पे टूटा सा ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर यहाँ पे येलो कलर का मार्क था जहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे स्पाइडर मैन देखने को मिलेगा और इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से विलन्स देखने को मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे स्पाइडर मैन और विलन की फाइट चल रही होगी और आप लोगों को यहाँ पे स्पाइडर मैन को भी थोड़ी सी हेल्प करनी है विलन को मारने में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखो इस तरीके के आपको छोटे मोटे विलन और रोबोट देखने को मिलेंगे, उनको आप लोगों को सिंपली यहाँ पे मारना है। और ये इनको जब आप लोग यहाँ पे मारते हो तो पर्टिकुलर ये यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग टाइप की एमओ देखे, जैसे कि 7 की एमओ, यहाँ पे 5 की एमओ, अलग अलग टाइप की एमओ आप लोगों को इसके थ्रू देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे पूरे जितने टाइप के आपको रोबोट दिखते हैं उनको आपको मारना है और ये आप लोगों को इतनी खास डैमेज भी नहीं देते, कम ही डैमेज देते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्पाइडर मैन और यहाँ पे इसकी फाइट देखो। लास्ट में गाइस यहाँ पे स्पाइडर मैन ने इसको पूरा मार दिया। अब यहाँ पे स्पाइडर मैन क्या कर रहा है कि इसको यहाँ पे पूरा पैक वैक करके उठा के ले जा रहा है, तो इस तरीके से इनकी फाइट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को यहाँ से लूट भी मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि ये जो अलग अलग आपको येलो कलर के लोकेशन मिलते हैं वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली लैंड करना पड़ेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लैंड नहीं करते और आप लोग बाद में यहाँ पे जाते हो तो आप लोगों को जो येलो कलर का लोकेशन होगा ना उसके आसपास कुछ रेड कलर की ऐसी फ्लेम देखने को मिल जाएगी और इस फ्लेम के थ्रू गाइज आप लोग अंदर जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली अंदर नहीं जा पाओगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लैंड ही करना पड़ेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपडेट देखें तो आप लोगों को यहाँ पे स्पाइडर मैन का एक सप्लाई क्रिएट देखने को मिलेगा और इस सप्लाई क्रिएट के अंदर से आप लोगों को अलग अलग आइटम भी देखने को मिलेगी, जो कि देखो यहाँ पे इस तरीके के पूरी आग जैसा निकल रहा है वैसे क्रिएट है। और इस क्रिएट के अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट एड किट, फिर एक अलग टाइप का ग्रेनेड और आप लोगों को यहाँ पे एक सूट भी मिल जाएगा जो कि स्पाइडर मैन सूट होगा, ठीक है। ऐसी अलग अलग चीज़ें होगी, स्पाइडर मैन सूट ये सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे स्पाइडर मैन सूट की बात करें कि स्पाइडर मैन का जो सूट मिलेगा उसको आप लोग यूज़ कैसे करोगे। तो गाइज अगर आपके पास स्पाइडर मैन का सूट होता है तो स्किन के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे सर्कल में देखने को मिल जाएगा स्पाइडर मैन टाइप का, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है तो आप लोगों के शरीर पे पूरा ऐसा स्पाइडर मैन का सूट आ जाएगा। आप लोग अच्छे से देखो इस तरीके का सूट आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहन लोगे। और उसके बाद गाइज यहाँ पे जैसे ही आप लोग इस सूट को पहनते हो तो इस सूट की यहाँ पे ढेर सारी अलग अलग एबिलिटी है, जैसे कि आप लोगों की हेल्थ कम होगी तो आपकी हेल्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और कोई एनिमी अगर आप लोगों को यहाँ पे डैमेज देता है तो आप लोगों को यहाँ पे कम डैमेज मिलेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर आप लोगों को एक स्पीड रन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि सर्कल में आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो आपकी स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और गाइज यहाँ पे इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, एक बार आपकी स्पीड यहाँ पे कम होती है तो वापस उसके ऊपर आप लोग क्लिक करके स्पीड बढ़ा सकते हो, वापस कम हो जाए तो वापस उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो।
और गाइज अगर ये सूट पहन के आप लोग एनिमी को मारते हो तो आप लोग बहुत ही जल्दी से एनिमी को मार पाओगे। मतलब कि आप लोग इसमें गन वन यूज़ तो नहीं कर सकते, बट पंच के थ्रू मार सकते हो। तो देखो एक दो पंच में ही आप लोग सामने वाले एनिमी को आराम से मार सकते हो। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट फीचर आप लोगों को इसके अंदर एक अलग सा ग्रेनेड देखने को मिलेगा। और गाइज इस ग्रेनेड को अगर आप लोग फेंकते हो और ये ग्रेनेड के ऊपर कोई एनिमी आ जाता है तो यहाँ पे एनिमी की जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो स्पाइडरमैन जाल छोड़ता है ना, उस टाइप की यहाँ पे जाल टाइप का बन जाएगा और एनिमी की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। जैसे कि खुद हम लोग यहाँ पे इस ग्रेनेड के ऊपर जाके देखते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेनेड फेंका और इसके ऊपर हम लोग आए तो हमारी मूवमेंट यहाँ पे स्लो हो गई। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को स्पाइडरमैन के अंदर जो नेक्स्ट फीचर देखने को मिलेगा वो यहाँ पे है, जो कि स्पाइडरमैन की मेन एबिलिटी है। वो यहाँ पे जाला पकड़ के कहीं पे भी चढ़ जाता है ना, उस तरीके का है। आप लोगों को यहाँ पे एक लॉन्चर देखने को मिलेगा जो कि क्रिएट के अंदर आएगा। यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो मैंने आपको फर्स्ट क्रिएट बताया, कुछ उसी टाइप के आपको क्रिएट देखने को मिलेंगे। और उसी क्रिएट में से आप लोगों को यहाँ पे स्पाइडर लॉन्चर भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग स्किन के ऊपर देखो ऐसा कुछ जाले टाइप का बना हुआ होगा। और गाइस इसका यूज़ यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, और जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों को कौन सी बिल्डिंग पे देखना है उसके ऊपर आपको क्रॉस हेयर रखना पड़ेगा। मतलब जो आप लोग यहाँ पे फायर वायर करते हो और आपका जो क्रॉस हेयर रहता है ना, उसी क्रॉस हेयर को आप लोगों को वहां पे रखना पड़ेगा जहां पे आप लोग जाते हो। और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा यहां पे स्पाइडरमैन का एनिमेशन बनेगा और आप लोग उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाओगे। जैसे कि यहां पे देखो कितनी आराम से सामने की साइड यहां पे एम रखा और यहां पे ये वाला बटन प्रेस किया तो यहां पे कंटेनर के ऊपर आ गया, वेयर हाउस के ऊपर आ गया। तो इस तरीके से गाइज यहां पे जो लॉन्चर है वो तो बहुत ही अमेजिंग सा है। ये लॉन्चर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो गाइज यहां पे स्पाइडरमैन के अंदर जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं वो सबका यूज़ और पूरा गेम प्ले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। गाइज इस तरीके से ही जब स्पाइडरमैन मोड आएगा तो आप लोगों को यहाँ पे खेलना है। चलिए आई होप आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।